मुंबई की चांदी वाली विधानसभा में शिव सैनिक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रमुख दर्शन मिला पूर्व मंत्री आमदार विभाग प्रमुख अनिल परब का। मीडिया से बातचीत में पूर्व नगर सेवक किरण लाड़की का कहना था कि एकनाथ शिंदे के साथ तो 40 लोग गए, आज यहाँ देखो 40 लाख लोग उद्धव जी के साथ है। आने वाली बीएमसी चुनाव में जीत का शिवसेना भगवा लहराएगा। या चर्चेचा मी कुठलाही आरोप केलेला नाही। मी या बाबतीत सांगितलं की ज्या काय बातम्या आम्ही बाहेर ऐकतोय, अन्यथा जाण्याची कारणं त्यांनी सांगावीत लोकांना। जी कारणं सांगतायत या कारणांचा खुलासा आम्ही केलेला आहे, आणि म्हणून आमचं म्हणणं असं आहे की शिवसेना ही शिवसेना पक्ष प्रमुख आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची संघटना आहे, या संघटनेला हात लावायची कोणाची हिंमत नाही। आज जी सांसद होते त्यांनी काय सांगितलं होतं, मुर्मूला जी आहे द्रौपदी मुर्मू त्यांना त्यांचा प्रसाद द्या, काय शिवसेना त्याचा स्टँड काय त्यांचा? शिवसेना पक्षप्रमुखांनी सगळ्या खासदारांचं म्हणणं ऐकून घेतलेलं आहे, या बाबतीत 2 दिवसात ते आपला निर्णय कळवतील असं त्यांनी सांगितलं आहे। डॅमेज कंट्रोलबद्दल काय विचार? डॅमेज कंट्रोल आपल्याला बघताय आपण शिवसैनिक किती मोठ्या प्रमाणामध्ये आलेले आहेत, आणि याच्यामध्ये मला वाटत नाही काही डॅमेज आहे। मी सांगितलं 40 लाख सदस्य संख्येमधनं 40 लोक गेलेले आहेत, अजून काही लोक गेलेले असतील, परंतु शिवसैनिक जो आहे ज्याच्या जीवावरती शिवसेना उभी आहे तो शिवसैनिक तसाच्या तसा आहे। आणखी एक बाबी सांगितलं होतं तुम्ही, बहुचर्चित डोंगर पहाडी वगैरे या पद्धतीचं काय म्हणणं आहे सर? ते आपण बघितलं ना, हे काही कायमचं नाही आहे, हे काही दिवसासाठी आहे। शेवटी लोकांमध्ये यायलाच लागतं, आणि लोक जे गरीब झोपडपट्टीमध्ये राहतात त्यांच्यामध्ये फिरावं लागतं। मी सांगितलं ना, मी चांदिवली विधानसभेच्या आमदाराला शिवसेनेमध्ये आणण्याचं काम मीच केलं होतं, त्यांना सगळं प्रेम दिलं, त्यांची सगळी कामं केली। ते का गेले याचं कारण अजूनही कळलेलं नाही, असं कुठलंही कारण त्यांना जाण्यासारखं नव्हतं असं माझं आजही मत आहे, परंतु यथावकाश कारणं कळतील। तुम्ही काय कॉन्टॅक्ट वगैरे केलं त्यांची? मी अजून कोणाशी कॉन्टॅक्ट केलेलं नाही, माझा विश्वास शिवसैनिकांवरती आहे। वनथर्ड मेजॉरिटी सांगते शिंदेगड, काय सांगते चिन्हबद्दल? चिन्ह असं जाऊ शकत नाही, चिन्हाचा विषय हा निवडणूक आयोगाकडे असतो, हा विधिमंडळ पक्षाकडे नसतो। धन्यवाद। आज का ये जो कार्यक्रम था ये निष्ठावंत शिवसैनिकों का मेलावा था, जो सच्चे दिल से उद्धव साहब के साथ और बाला साहब के विचारों पे चलने वाले लोग थे, आज उनका मेलावा था। आपने देखा होगा सिर्फ 40 आमदार महाराष्ट्र से गए, लेकिन 40 लाख लोग, 40 लाख लोगों से ज़्यादा शिवसैनिक यहाँ पर उद्धव साहब के साथ में खड़े हैं। बीएमसी के चुनाव के लिए आने वाले समय में चांदीवली के 9 वार्ड में शिवसेना का भगवा लहराएगा, ये ऐसा विश्वास पूरे शिवसैनिकों ने आज परब साहब को दिया है। आने वाले समय में जो है ये जो 40 आमदार जो गए हैं उनको करारा तमाशा देने का काम ये उद्धव साहब की शिवसैनिक। आज यहाँ शिवसेना का निष्ठावंत शिवसैनिक जो है उनका मेलावा यहाँ चांदौली में आयोजित किया था, और ये मेलावा में हमारे विभाग प्रमुख और महाराष्ट्र राज्य के माजी परिवहन मंत्री एडवोकेट अनिल परब साहब ने मार्गदर्शन किया है। आगे क्या है, मुंबई महानगर पालिका जीतने का है, चांदौली में जितना भी शिवसेना का
नगर सेवक है वो तो चुन के आएगा, लेकिन बाकी दो तीन नगर सेवक जो हमारा नहीं था वो भी चुन के आएगा। तो महिलाओं को यहाँ पे समर्थन था, उसे क्या बोलेंगे? आपने देखा ना, महिला 50% से भी ज्यादा था, और इस देश का राजकारण महिलाओं के ऊपर चलता है। चांदौली विधानसभा इतना बड़े भारी संख्या में लोगों के आपने देखा, और शिवसैनिक ये उत्सावन शिवसैनिक है, और यहाँ पर कभी भी कोई भी अगर ऐसे 400 भी जाएंगे तो हम लोग को फर्क पड़ने वाले नहीं है। हमारे शिवसैनिक निष्ठावंत है, आने वाले समय पे उनको हम अपनी उनकी जगह हम लोग दिखा देंगे। और यहाँ पर नगर से जो भारी संख्या में आएंगे ये, और बहुत से शिवसैनिक जुड़े हैं, और जितने भी समुदाय आज शिवसेना से जुड़ना चाहते हैं, और शिवसेना एक निष्ठावंत पार्टी है, उनके साथ सब जुड़ेंगे और एक साथ रहेंगे, और आने वाले समय पर हम लोग उनकी जगह जो भागे हुए उनको उनकी जगह 40 के 40 लोगों को बता देंगे। आज का जो शिवसेना का निष्ठावंत कार्यकर्ताओं का जो मेलावा था, उसके लिए हमारे विभाग प्रमुख अनिल जी परब आए थे, और ये बताने के लिए आया था कि शिवसेना अभी भी चांदौली में जिंदा है। जिंदा ही नहीं, दौड़ रही है बड़े पैमाने पे। आपने देखा कि कैसे शिवसैनिक सीनियर सिटीजन से लेके सब महिला, खासतौर पर बहुत बड़े पैमाने पे महिला आई थी, और ये बता रही थी कि शिवसेना बाला साहब का विचार, उद्धव साहब का विचार अभी भी जिंदा है इस चांदौली में। ब्रू मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव है, ये चुनाव ऐतिहासिक रहेगा। आज भाजपा को लग रहा है कि हम ईडी कुछ दे के, लालच दे के सत्ता में आएंगे, लेकिन ये मुंबई महानगर पालिका के सभी कार्यकर्ता, मुंबई में रहने वाले, चांदौली में रहने वाले सब निष्ठावंत कार्यकर्ता है, और एक बार फिर से इस चांदौली मुंबई महानगर पालिका में चांदौली की तरफ से ज़्यादा जैसे अनिल परब साहब को हमने कहा, 9 के 9 नगर सेवक यहाँ से नगर सेवक चुन के लाने की जिम्मेदारी सब हमारे शिवसैनिकों की है।